What's up, dear students? So over here in today's session, what we are going to talk about? Polyhalogen compounds, the very last topic of hello alkanes and haloarenes. Well, if I just talk from J viewpoint, this particular concept of polyhalogen compounds, I'll say one or two questions come. Sometimes it comes and sometimes it do not. But you never know when J mains is going to give you the good amount of questions from this particular very part since we know we do have a past experience that j mains is actually giving us directly the particular lines of ncrt ask the questions from that particular line we have been observing it in on organic chemistry and biomolecules polymers chemistry in everyday life environmental chemistry so why to leave this particular session i mean to say why to leave this particular concept of learning polyhalogen compounds it's very very theoretical you have learnt a lot for this particular chapter but since it is an ncrt we need to do it so let's begin this particular session but before that you need to hit the like button subscribe the channel and share this particular session among your friends moving ahead you need to join our telegram group why because you are j2023 experience and you want you have to attend the Regular classes, so for the daily notifications, join this particular group and attend the classes. Moving ahead, talking about Akash Baiju's JE app, your one stop solution for your preparation journey. By now, most of you might have downloaded this Akash Baiju's JE app for your preparation journey. So, go ahead with this particular thing, enjoy the free trial of 14 days, explore it, and yeah.

बहुत ज्यादा हेलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन है कि नहीं। so, carbon compounds, जो contain करते हैं more than one atom, है ना? so बहुत सारे हेलोजन आइटम्स को कंटेन करने वाले कंपाउंड को हम कहते हैं पॉली हेलोजन कंपाउंड कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन वन हेलोजन एटम उनको हम बोलते हैं पॉली हेलोजन कंपाउंड जैसे कि

वो एक पॉली हैलोजन कंपाउंड्स हैं वी बी स्टडीिंग अबाउट इट इन डिटेल अभी यहीं पर ही इसी सेशन के अंदर सो so, डीडीटी के बारे में सभी ने सुना इट्स बीन यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड्स यस आगे बढ़ते हैं सो so, क्या-क्या हम पॉली हैलोजन कंपाउंड्स में पढ़ने वाले हैं वी आर गोइंग टू स्टडी डाई क्लोरोमीथेन ट्राई क्लोरोमीथेन ट्राई ट्राई आइडोमीथेन टेट्राक्लोरोन फ्रीओन एंड डी डी टी दीज ऑल आर पॉलीहेलोजन कंपाउंड जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कंपाउंड के बारे में चर्चा करते हैं मिथाइलीन क्लोराइड या फिर डाइक्लोरोमीथेन ये है भाई तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं इसकी स्ट्रक्चर क्या है इसका यूज क्या, क्या है इसकी हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं सिंस मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये थेटिकल चैप्टर है तो सो मच जाना ध्यान दीजिएगा नोट्स बन जाएंगे आपके अच्छे से तो स्ट्रक्चर के बारे में देखिए सो so इसका स्ट्रक्चर इस कुछ इस तरह से दिखता है लुक

सी एच टू सी एल टू की प्रॉपर्टीज के बारे में अगर मैं बात करूं सो इट इज अ कलरलेस स्वीट स्मेलिंग वॉलेटाइल लिक्विड ठीक है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कम होता है इट हैज लो बॉइलिंग पॉइंट एंड लो इनफ्लमेबिलिटी सो वन मोर पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इट इज इनसॉल्यूबल इन वॉटर ये पानी में सोल्यूबल नहीं होता इट इज इनसॉल्यूबल इन वॉटर यू कैन जस्ट हैव ए लुक अगेन टू द स्ट्रक्चर ऑफ सी एच टू सी एल टू तो इसका हम क्या कर रहे हैं डायरेक्ट क्लोरीनेशन कर रहे हैं है, है कि नहीं और हमें मिलता है सी एच टू सी एल टू ध्यान दीजिएगा ठीक है इट इज इनसॉल्यूबल इन वॉटर यूजेस क्या है देखो इसके इसका जो वाइड यूज अगर मैं बात करना चाहूं इट इज वाइडली यूज एज अ पेंट रिमूवर नेल पेंट यस फाइन पेंट रिमूवर का मतलब यहाँ पर नेल पेंट से भी नहीं है क्योंकि नेल पेंट के लिए तो हम बेसिकली सबसे ज्यादा एसीटोन यूज करते हैं ये तो आपको पता है लेकिन अगर मैं डाई डाईक्लोरोन की यहाँ बात कर रही हूँ पेंट रिमूवर जैसे कि आप गेट पे पेंट कर देते हैं उसको रिमूव करने के लिए सो so, मैंने सिंस आपको पिछली बार यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज में आपको बताया था कि ये कलरलेस है स्वीट स्मेलिंग वॉलेटाइल लिक्विड है सो येस इट कैन बी यूज इन पेंट रिमूवर ठीक है क्लियर है नाउ इट इज ऑल्सो यूज एज अ सॉल्वेंट एंड क्लीनिंग एजेंट इन केमिकल मैन्युफैक्चर ओके टेक्सटाइल इलेक्ट्रॉनिक्स मेटल एंड प्लास्टिक इंडस्ट्रीज ध्यान दीजिएगा ठीक है तो इसको हम एज अ क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं किस किस इंडस्ट्री में केमिकल इंडस्ट्री में टेक्सटाइल के अंदर मेटल एंड प्लास्टिक इंडस्ट्री में और हम इसको एज अ वी एक्चुअली यूज यूज दिस पर्टिकुलर डाईक्लोरोमीथेन इट इज ऑल्सो यूज एज अ प्रोसेस सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग्स क्लियर है दीज आर द यूजेस आप इन यूजेस को देख लीजिएगा मैंने आपको बोला था कि इट इज बिन यूज एज अ मेटल क्लीनिंग सॉल्वेंट किसमें इंडस्ट्रीज के अंदर सो मेटल को क्लीन करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं इसके तो हार्मफुल इफेक्ट्स में देखिएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इट एक्चुअली डू हैव सम हार्मफुल इफेक्ट हार्म ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम नोजिया टिंगलिंग इन द नमनेस इन द फिंगर्स इन द टोज ठीक है नमनेस आपको कभी ऐसा लगता है ना कि यहाँ पर कुछ टिकल कर रहा है जबकि कुछ है नहीं लेकिन टिकल कर रहा है या हो जाती है आपकी fingers, yes, है फिंगर्स ना स्लाइट हियरिंग एंड विजन इम्पेयरमेंट स्लाइट हियरिंग एंड विजन इम्पेयरमेंट ठीक है ये कुछ इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं मैंने आपको बताया था इट बेसिकली हार्म्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठीक है ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डाई डाईक्लोरोमिथेन दोबारा से देखिए अगर हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं इसके ठीक है सो बर्निंग इन माइल्ड रेडनेस ऑफ द स्किन आपको देखेगी बर्निंग ऑफ द कॉर्निया डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में अगर आते हैं तो आप यहां पर देखिए हायर लेवल ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड इन एयर इट बेसिकली कॉजेज डिजीनेस टिंगलिंग नमनेस यू कैन ऑल्सो से नोजिया दीज टाइप ऑफ द थिंग और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ गए तो आप देख ले देख सकते हैं फिंगर्स रेड हो गई कॉर्निया के अंदर भी देर इज हार्मफुल इफेक्ट बेसिकली तो क्वेश्चन पे बात करते हैं क्वेश्चन है आप लोगों के सामने विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉली हेलोजन कंपाउंड तो भाई क्लोरोफॉर्म की अगर मैं बात करती हूँ सी एच सी एल थ्री के बारे में अगर हम बात करें तो इट विल बी सी एच आई थ्री डी डी टी के बारे में भी हमने बात की थी ये भी हमारा पॉलिलोजन कंपाउंड है सो हम मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर डी को द राइट आंसर अब हम बात करते हैं ट्राईक्लोरोमीथेन के बारे में दैट मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सी एच सी एल थ्री द क्लोरोफॉर्म ठीक है यार सुहाने के काम में आता बिल्कुल बेहोश कर दो है कि नहीं यस yes. तो so, चलिए ट्राई क्लोरोमिथेन के बारे में अगर बात करें तो इसके स्ट्रक्चर यूजेस और हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे लेकिन ये जो हमारा क्लोरोफॉर्म है सी एच सी एल थ्री इसको हम प्रिपेयर कहाँ करते हैं वी वी बेसिकली प्रिपेयर इट रिटर्न अगर मैं इसकी प्रिपेरेशन के बारे में बात करूँ सी एच सी एल थ्री इज प्रिपेर इन दी लेबोरेटरी हाउ बाई डिस्टिलिंग अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल विद अ सस्पेंशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर ठीक है तो अगर मैं इथेनॉल ले रही हूं सी एच थ्री सी एच टू ओ एच ठीक है प्लस मैंने यहाँ क्या लिया क्लोरीन लिया यहां पर और मुझे यहाँ क्या मिला इनिशियली सी एच थ्री सी एच ओ मिला प्लस ट्राइस ऑफ एच सी एल मिला पहले ये रिएक्शन हमने किया उसके बाद देखिए सी एच थ्री सी एच ओ है प्लस थ्राइस ऑफ क्लोरीन फिल्ड आला और हमें यहाँ क्या मिला सीएल थ्री सी सी एच ओ मिल गया दैट मीन इट इट बेसिकली ट्राइक्लोरोलडी हाइड हमें मिला अलॉन्ग सपोज टू गेट थ्राइस ऑफ एल क्लियर है ये वाली बात यस yes, मैम बिल्कुल सही बात है अब इसके आगे क्या करेंगे ये जो हमारा सीएल थ्री सी सी एच ओ है ट्राई क्लोरोलडी हाइड ठीक है इसका हमने रिएक्शन करवाया इसके साथ में ये मैम वी डिड इट अब आगे क्या होगा इसको हमने डिस्टिल किया इसको हमने डिस्टिल किया और हमें क्या मिलेगा एट द एंड क्लोरोफॉर्म मिल गया अलोंग विद इट वी आर सपोज टू गेट इट्स दिस वी आर सपोज टू गेट एंड दिस इट्स कैल्शियम फॉर्मेट हमें यहाँ पर मिलेगा क्लियर है सो दिस इज वी आर सपोज टू गेट हाउ वी आर फॉर्मिंग दी क्लोरोफॉर्म इन लेबोरेटरीज तो स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए कुछ ऐसा दिखता है इट्स कार्बन इट्स हाइड्रोजन और तीन क्लोरीन यहाँ पर हैं Clear है। है, so, है? ये जो हमारा ठीक बट इट गेट्स इजिली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट जैसे कि इथेनॉल और ईथर ठीक है मोर ओवर ये जो क्लोरोफॉर्म है ये पॉइजनस कंपाउंड है ठीक है इनहेलेशन अगर इसके वेपर्स को हम इनहेल कर लेते हैं तो हम बेहोश हो जाते हैं अनकॉन्शियस हो जाते हैं सो फॉर दिस रीजन क्लोरोफॉर्म इज यूज एज एन एनेस्थेटिक क्लियर नाउ क्लोरोफॉर्म जो होता है इट इज एनेटिक्लोरोक्सीडाइज इन टू पॉइजनस कंपाउंड धीरे धीरे पॉइजनस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है कौन सा पॉइजनस कंपाउंड फोसजीन बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ वॉट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर लाइट ठीक है फोसजीन मतलब सीओ सी एल टू के बारे में मैं यहां बात कर रही हूँ चलो अब अगर मैं बात करती हूँ यूजेस के बारे में तो यूजेज ऑफ क्लोरोफॉर्म सुनिएगा इट इट अगर मैं इंडस्ट्री के अंदर बात करती हूँ इन इंडस्ट्री क्लोरोफॉर्म इज बेसिकली यूज एज एन इम्पॉर्टेंट सॉल्वेंट स्पेशली फॉर फैट्स एल्केड्स आयोडीन वैक्सीज रबर एटसेट्रा मोर ओवर इट इज यूज एज एन एनेस्थेटिक मैंने आपको अभी भी बताया बट नाउ डेज आजकल क्या हो रहा है इट हैज बिन रीप्लेसड बाई अनदर एनेस्थेटिक्स लाइक ईथर ओके सो इट्स नेचुरली वेरी टॉक्सिक नेचुरली ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है मोर ओवर इट इज यूज एज लेबोरेटरी एजेंट ओके इट इज ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इफ आई जस्ट टॉक अबाउट क्लोरोपिक्रिन फाइन ऑल्सो इट इज यूज इन मेडिसिन एंड यस, यूज इन फ्री ऑन रेफ्रिजरेंट मैन्युफैक्चरिंग क्लियर ये सब कुछ चीजें हैं जो मैं आपको यहां बता चुकी हूं आगे बढ़ते हैं मोर ओवर वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट की जो क्लोरोफॉर्म है इट इज एम्प्लॉयड एज अ सॉल्वेंट फॉर फैट्स एल्कलॉइड्स आयोडीन एंड अदर सब्सटेंसेस फैट्स का मतलब यहां मैं कहना चाह रही हूँ एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड लिपिड्स एल्कलॉइड्स का मतलब यहाँ कहना चाह रही हूँ नेचुरली अक्रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कंटेन करते हैं नाइट्रोजन आइटम्स लाइक अमीन ग्रुप ठीक है आगे बढ़ते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर कॉजेज डिजीनेस फटीक एंड हेडेक डैमेज टू लिवर एंड किडनीज तो ध्यान दीजिएगा अगर मैं इसके बारे में बात करूं सो इनहेल अब जब हम इस क्लोरोफॉर्म को इनहेल करते हैं सो देयर इज अ स्ट्रेस दैट डेवलप्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठीक है इसको जब हम इनहेल कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म को तो डिजीनेस आती है टायर्डनेस होती है हेडेक्स होते हैं फॉर अ शॉर्ट टाइम मोर ओवर इसका अगर रेगुलर हम इसके कॉन्टेक्ट में है प्रोलोंग्ड एक्सपोजर टू क्लोरोफॉर्म इट कैन बेसिकली डैमेज द लिवर ठीक है एंड द किडनीज ठीक है सो डायरेक्ट एंड प्रोलोंग्ड कॉन्टेक्ट विद द क्लोरोफॉर्म इट लीड्स टू वॉट इट बेसिकली लीड्स टू द वूड ऑन द स्किन घाव हो जाएंगे आपकी स्किन पे यस सो क्लोरोफॉर्म स्लोली इन द एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू फॉर्म द एक्सट्रीमली टॉक्सिक गैस जिसका नाम है फॉसजीन क्लोराइड याद रखिएगा बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैस है ये आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्लोरोफॉर्म के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में जो हम कर चुके हैं एंड दिस इज द फॉसजीन द दाइली पॉइजनस गैस फॉर्मड ओवर है ट्राई आइडोमीथेन के बारे में बात करते हैं विच इज सी एच आई थ्री अगर मैं इसकी प्रिपेरेशन के बारे में सबसे पहले बात करूं बट वील बी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द यूजेस लेकिन अगर मैं इसकी प्रिपेरेशन के बारे में आप लोगों से बात करना चाहूं सो आइडो इज प्रिपेयर इन द लेबोरेटरी बाय हीटिंग इथेनॉल इथेनॉल मतलब सी टू एच फाइव ओ एच ठीक है या फिर एसीटोन विद आयोडीन एंड सोडियम कार्बोनेट और एनी एल्कली सोल्यूशन याद रखिएगा ठीक है ये बात ध्यान रखना है इतना ही आपको याद रखने की आवश्यकता है ज्यादा नहीं स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देखिए इसके स्ट्रक्चर को सी एच आई थ्री यस अब अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें तो यार हम र, हम बात कर रहे हैं आयोडोफॉर्म की इट हैज एन एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन टिंक्शन ऑफ आयोडीन सुना है आपने यस yes. तो वो हमारे वून्ड्स के लिए ही तो हम उसको यूज करते हैं कहीं लग जाती है यूज कर लेते हैं सो so, आयोडीन की अगर मैं प्रॉपर्टीज के बारे में सबसे पहले बात करूँ सो आयोडीन क्या है

मोर ओवर इसके एंटीसेप्टिक इफेक्ट्स भी हैं ड्यू टू द रिलीज ऑफ फ्री आयोडीन यूज अगर मैं बात करूं तो जैसे कि हमने बात किया इट इज यूज एज एन एंटीसेप्टिक वाई बिकॉज द आयोडीन जो रिलीज हुआ है द आयोडीन दैट इज रिलीज एंड नॉट द आयोडो फॉर्म इट सेल्फ बेसिकली बट बिकॉज ऑफ इट्स वेरी अनप्लेजेंट स्मेल इट हैज अगर मैं बात करती हूँ इसके यूज के बारे में म so, से जो आयोडीन रिलीज हुआ है उस आयोडीन की हैव एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी मोर ओवर मैंने बोला अनप्लेजेंट स्मेल होती है तो इसकी वजह से इसको हमने आजकल रिप्लेस कर दिया है विद द अदर फॉर्मुलेशन जो आयोडीन को कंटेन करता है इट इज यूज इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इसके बारे में भी ध्यान दीजिएगा सो आयोडोफॉर्म जैसे कि मैंने बताया इट वॉज यूज अर्लियर एज एन एंटीसेप्टिक बट द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन नॉट ड्यू टू दी आइडोफॉर्मिटेल फॉर्मुलेशन जो आयोडीन कंटेन करते हैं टेट्राक्लोरोल फोर के बारे में बात करते हैं सो इट इज अ कलरलेस ऑयली लिक्विड सीसीएल फोर भी ये भी एक पॉलीहलोजिन कम्पाउंड है इट इज अ कलरलेस ऑयली लिक्विड ठीक है विदेन आई ऑर्डर नॉट एक्सेप्टेबल ऑर्डर इन सोलर बट ये सोलबल इन ऑर्गेनिक सोल्स अगेन ईथर एंड एल्कोहल बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना है थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी कैलविन और याद रखियेगा ये इनफ्लेमेबल है नहीं ये मैं इसको कहूंगी इट इज फ्लेमेबल नॉट इनफ्लेमेबल इट इज फ्लेमेबल ठीक है याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं टेट्राक्लोरोमिथेन का स्ट्रक्चर यूजेस और हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में पढ़ाई करेंगे सीसीएल फोर का स्ट्रक्चर यू कैन जस्ट सी इट्स स्ट्रक्चर यूज के बारे में अगर मैं बात करू यूजेस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड सो इट इज यूटिलाइज एक्सटेंसिवली वेयर इन द प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट यू कैन से प्रोपलेंट्स फॉर एरोसोल स्कैन ठीक है जैसे कि हमने बात किया ये ओके नाउ इट इज यूटिलाइज एज अ स्टार्टिंग मटीरियल टू produce what to produce chlorofluorocarbons it is used as a starting material to produce chlorofluorocarbons basically and other chemical compounds it is used as a solvent that's employed in the production of pharmaceuticals okay yes moreover ye is a solvent hai for oils fats and waxes among other things it's a solvent Yes, solvent hai for whom for the oils fats and waxes among other things moreover अगर एक और चीज के बारे में बात करूं कार्बन टेट्रा क्लोराइड इज यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग पर्पसेस आल्सो इसको हम ड्राई क्लीनिंग पर्पसेस के लिए भी यूज करते हैं ठीक है तो ज्यादा टेंशन ना ना लीजिए क्वेश्चन बहुत कम आते हैं तो इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आप यहाँ पर देख लीजिए डिग्रीजिंग एजेंट भी है फायर एक्सटिंग के में भी इसको यूज करते हैं क्लीनिंग ऑफ फ्लूड इट्स काइंड ऑफ अ क्लीनिंग फ्लूड ठीक है

वॉमिटिंग एन अदर यू कैन सेविल डैमेज दर्व सेल परमानेंटली नर्व सेल डैमेज हो जाता है परमानेंटली ध्यान दीजिएगा परमानेंटली अगर हम इसके एक्सपोजर में आते हैं तो नाउ दीज इफेक्ट्स कैन क्विकली लीड टू वॉट कोमा

ठीक है ये सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं अगर मैं इसके एनवायरमेंटल इफेक्ट्स बताऊं कार्बन टेट्राक्लोराइड के सो इट आल्सो हैव अ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट सो व्हेन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज रिलीज्ड इनटू द एयर इट बेसिकली राइजेस इनटू द एटमोस्फियर ठीक है एटमोसफेयर में में राइज होने लगती है और ये ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देती है नाउ द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इंक्रीजेस ह्यूम एक्सपोजर टू दू वी रेज अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन लीडिंग टू इंक्रीज इन द स्किन कैंसर आई डिजीजेस अदर काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स पॉसिबली इट कैन एक्चुअली वीकन अप योर इम्यून सिस्टम ठीक है सो so, ये एक स्टैटिक एसेट है है। ठीक है? Clear है? ये वाली मैं आपको बता चुकी हूँ फ्रीओंस अगेन अपॉली हेलोजन कम्पाउंड के बारे में हम बात करेंगे सो क्लोरो फ्लोरोबन कम्पाउंड ऑफ मीथेन एंड इथेन दे आर कलेक्टिवली नोन टू बी एस फ्रीओंस ठीक है आगे बढ़ते हैं फ्रीओन्स और अगर मैं बात करती हूं ओजोन लेयर डिप्लीशन की ठीक है तो सुनो द क्लोरो फ्लोरो कंपाउंड जो होते हैं मीथेन के एंड इथेन के दे आर कलेक्टिवली रेफर टू एस फ्रीओंस अभी अभी बताया दीज आर एक्सट्रीमली स्टेबल लो कॉन्सेंट्रेशन है नॉन फ्लेमेबल है नॉन टॉक्सिक है नॉन कॉरोजिव है इजिली लिक्विफाइड है ठीक है एंड स्ट्रॉन्गली नॉन रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं ये क्लियर है दे आर स्टेबल इवन एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर देख लो आप क्या हो रहा है एंड देयर फॉर दे आर यूज एज रेफ्रिजरेट सो अमंग दीज अगर मैं बात करती हूं अमंग्लोरो डाईफ्लोरो मिथेन की सी इट्स क्लोरीन क्लोरीन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन ठीक है डाईक्लोरोन Which is known to be as Freon 1212. It is very important compound in this particular class. Why? Because of its industrial use. So, the action of antimony fluoride produces it on carbon tetrachloride in the presence of antimony pentachloride by the means of Swartz reaction. We reaction. Ke hai ki yes. Theek hai? Okay. लिये अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था फ्री ऑन ट्वेल्व है ना फ्री ऑन ट्वेल्व है ना ये हमारा यस सो यूज ऑफ फ्री ऑन ट्वेल्व एरोसोल प्रोपेन्स में रेफ्रिजरेटर्स में एयर कंडीशनर्स में सो बेसिकली जो फ्रियोन्स हैं दे आर यूज एज रेफ्रिजरेंट्स इन रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स हेन्स दे आर नेम्ड टू बी एज फ्रियोन्स नाउ दीज वाइडली यूज एज प्रोपेलेंट्स फॉर एरोसोल्स एंड फॉर्म्स फॉर स्प्रेइंग डिओडरेंट ओके डिटर्जेंट्स शेविंग क्रीम्स हेयर स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स क्लियर येस ऑफकोर्स यहां पर भी आप देख लीजिए ए सी मिकल डिकम्पोजिशन एंड मॉडरेट रेडिकल चेंज रियक्शन एनहेंस डिप्लीट द प्रोटेक्टिव ओजोन लेट सराउंड अर्थ

आगे चलें, यस एंड या अब हम बात करते हैं डाईक्लोरोनाइल डाई ट्राईक्लोरो इथेन के बारे में सो डीडीटी जो है इट इज ऑलमोस्ट इन सोल इन दी वॉटर बट मॉडरेटली सोल्यूबल इन पोलर सोलवेंट्स ये एक पावरफुल इंसेक्टीसाइड है और इट इज वाइडली यूज एज एन इंसेक्टीसाइड टू किल मॉस्किटोज ठीक है एंड अदर इंसेक्ट सो डीडी टी जो है इट इज सिंथिसाइज बाई हाउ बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ क्लोरल ठीक है विद क्लोरोबेजीन

क्लियर है यस मैम चलिए और इसकी डिस्कवरी के लिए पॉल मिलर को क्या मिला था नोबेल प्राइज मिला था 1948 के अंदर सी यस मैम ओवर हेयर इट्स इट्स बेसिकली द विजुअल फॉर द बैक स्टोरी ऑफ पॉल मिलर ठीक है सो इन 1939 इट वाज़ द फर्स्ट टाइम एनीवन एनीवन एनी वन ओवर हेयर मीन दॉल मिलर यूज्ड डी डी एन clear yes ma'am and he got the nobel prize in 1948 for this yes it's actually effective against the mosquitoes for spreading the malaria here you can just have a look use of ddt as an in insecticides yes yeah if i just talk about uh,

Fine. However, it has been cautioned against the excessive use of DDT, which leads to many problems. Yeah. So many insect species are uh, developed. Okay. There are many insect species that have been developed. They are resistant to DDT, and also DDT was, I'll just say, produced with high uh, fish toxicity. So, due to this chemical stability and fat solubility of DDT, it is actually not metabolized very quickly by animals. Fine. But it is deposited and stored in adipose tissues. Dhyan Dijega. इतना आपको जानने की आवश्यकता नहीं है इतना मैं नहीं आपको बताना चाहती लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीजीटी ये पूछ लिया जाता है डीजीटी का स्ट्रक्चर तो तो ये तो आप प्लीज याद रख ही लीजिएगा इंपॉर्टेंट है ये सो इट्स यू कैन जस्ट से डाईक्लोरोनाइल इथेन यू कैन जस्ट हैव है लुक ओवर है ठीक है इट्स राइट या मैम सो आगे बढ़ते हैं So you can just have a look uh, this particular image is actually used to show DDT was also used in World War II because of the effectiveness against the mosquitoes which spreads the malaria and the lysis that carried typhus. So DDT is not metabolized very rapidly by the animals. It's actually deposited and stored in the fatty tissues. Ye harmful effect of DDT ka. Chaliye baat karte hain regarding the uh, question which of the following is a chiral molecule. सो विल से अगर मैं कायरल मॉलिक्यूल के बारे में यहां बात करूं विल इट बी डाई क्लोरोमिथेन डाई क्लोरोमिथेन इट्स एच ओवर है बिकॉज फॉर अ कंपाउंड टू बी कायरल द कार्बन आइटम शुड हैव फोर डिफरेंट स्पीशीज अटैच टू इट वो पॉसिबल नहीं है आइडोफॉर्म सी एच आई थ्री ये भी नहीं है सो आंसर इज नन ऑफ दीज क्लियर है Idoform, CHI3, क्लियर है कि नहीं क्लियर है येस सो अगर मैं समरी बताना चाहूँ पॉली हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में सो पॉली हेलोजन कंटेन मोर देन वन हेलोजन आइटम्स पॉली हेलोजन कंपाउंड्स दे डू हैव मेनी मेनी एप्लीकेशंस सच एज डाईक्लोरोमिथेन एज अ सॉल्वेंट इन पेंट रिमूवर एंड एज अ मेटल क्लीनर एंड फिनिश सॉल्वेंट सो इन इंडस्ट्री अगर मैं बात करती हूँ क्लोरोफॉर्म के बारे में यहां पर इट इज यूज एज वॉट it is used as an important solvent especially uh, for fats alkaloids iodine waxes and rubber ठीक है आइडोफॉर्म के बारे में बात करें इट इज यूज इज इन एंटीसेप्टिक कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में बात करें इट इज यूज इन लार्ज क्वांटिटीज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द रेफ्रिजरेंट्स एंड द प्रोपेलेंट्स फॉर एरोसोल दिस वाज ऑल द समरी आई हैव टोल्ड यू एंड दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड द थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरि सो डियर वंस थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड होप दैट आप इस पर्टिकुलर चैप्टर में से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे एंड इसमें इस, इस पर्टिकुलर पार्ट को ज्यादा स्ट्रेसफुल मत लीजिएगा बिकॉज हार्डली अ क्वेश्चन कम्स बट वी नेवर नो जेई मीन्स आपको कुछ भी कहीं से भी दे सकता है सो इट वॉज आर ड्यूटी टू टेल यू अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द चैप्टर बाय डियर स्टूडेंट्स टेक केयर